आते हैं। कैसे आग लगा? आग लगा हम कहीं पता ना है, हम घर में खाना बना रहे थे, ठीक, जब आग लगा हम घर से भाग गए। मेरी बहन बिहार पुलिस है, मम्मी पापा झगड़ा करके हम 70,000 आग लाए थे पैसा, तो चार लानू उठा के हम घर बन ले, कितना जमीन लेंगे, सब कहीं पता है मेरे घर में पैसा था, सब जल गया। बताइए मेरा टीवी उबी सब जल गया, तो कागज पत्र भी नहीं कुछ बचा है। कितना देर पहले आग लगा था? हमको ये पता नहीं था, हो गया का घंटा। क्या नाम हुआ आपका? संजू देवी। ये बराबर मुंशी तांती। कितना घर था जो सब जल गया? घर हम गिनती नहीं किए, हम किधर नहीं जाते थे, हमने गिनती नहीं किए, कम से कम 20 घर से लगभग होबे करेगा, चंद 15 का जरूर होगा, नहीं होगा 20 तो। मगर सबसे ज्यादा मेरा घर जला है, हम पैसा रखे जमीन खरीदने के लिए, अपने पापा झगड़ा करके, मम्मी से दीदी सब झगड़ा करके पैसा लाए थे, हम जमीन खरीदे, सबको पता, सबको हम बोलबो कि हम जमीन लेंगे। जिला प्रशासन से कोई आए? अभी तो कोई पता नहीं, हमको पता, हम तो रोने पे उधर पर हम बिजी है, मेरा सामान गया, हम किसको देखेंगे, अपना घर देखें, हम सामान देखें, हम जिला परिषद को देखेंगे, हमारे पास कोई भी है, हम सबको यही बात बोलेंगे, हमको सब इंसाफ चाहिए, हम उतना नहीं जानते हैं, पैसा गरीब है, कमाते हैं, मजदूरी करते हैं। सरपंच राजेश कुमार यादव, ये मेरे ही पंचायत के लोग हैं, जो कि विगत 6 महीना पहले, मतलब इन लोगों का मकान गंगा में विलीन होने की वजह से ये लोग सबौर कैंपस यानी ब्लॉक प्रखंड के कैंपस में आकर रहने के लिए मजबूर थे लोग, और अचानक आज जो है इनके सभी के घर में आग लग जाने से इनका घर जलकर मतलब कि राख हो गया। CO साहब के द्वारा आश्वासन दिया भी गया था और जिला आपदा को भी भेज दिया गया था, जब भी थे हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर आए हुए थे CO के प्रभार में अमित कुमार, उनके द्वारा मतलब कि जांच कर दिया गया था आवेदन, और मेरे द्वारा सत्यापित करके कि इन लोगों का सही में वास्तव में घर कटा हुआ था, और अभी तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला था, जो कि सरकारी मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला था। और CO साहब से मैं इधर बीच में 1 सप्ताह पहले भी बात किया था कि सर इन लोगों को मुआवजा दे दिया जाए, ताकि लोग अपने अपने पंचायत वापस जाएं, या जहां भी इन लोगों को सरकारी ज़मीन मिलता हो वहां आप ही बसा दीजिए। तो CO साहब इस पर आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आपदा विभाग से भी बात किए हुए हैं, वहां से इन लोगों को मुआवजा भी मिलेगा, और ज़मीन हम लोग सरकारी देख रहे हैं, बिहार सरकार की ज़मीन जो है अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ था, इस वजह से इन लोगों को यहाँ रहने के लिए लोग मजबूर थे। इन लोगों का कोई भी दोष नहीं है, ये लोग अपने मन से भी नहीं आए हुए थे लोग, जब भी कटा था तो CO साहब भी बोले थे कि ठीक है आप लोग फिलहाल अभी आकर आप लोग रहिए, ठीक है। आग कब लगा? ये आग लगभग अभी 5:30, हाँ वो वास्तव में घड़ी देखे नहीं हम, लेकिन 5:10 या 15 में इन लोगों के घर में, हम लोग अचानक ब्लॉक के पास ही हम थे, हम घर वापस जा रहे थे ब्लॉक से, तो देखे कि आग उठ रहा था, तो हम लोग सोचे कोई हो सकता है घूर और लगाया, लेकिन जब आग विस्तृत रूप से उठा तो अचानक हम देखे फिर इसको क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, फायर ब्रिगेडर वाले को फ़ोन किए भी हम कि सर ऐसा ऐसा हो गया ब्लॉक कैंपस में, कटाव पीड़ित लोग रह रहे हैं, उनके घर में आग लगा हुआ, तो वो लोग बेचारे अपने थाने को फ़ोन किए, थाने से फिर ये लोग आए हुए। क्या किस से? ये तो अब देखिए नेचुरल है कि खाना बनाने का समय था, 5 बजे 6 बजे लोग घर में, माँ बहन खाना बनाती हैं लोग, उस बीच में हो सकता है कि आग खाना बनाने में किसी तरह से फूस का घर था, चिंगारी उठा, उससे आग लग गई। कितने घर होंगे आग? लगभग यहाँ था 9 से 10 घर था। इसमें आप क्या इनको मुआवजा दिला सकते हैं? जी हाँ, CO साहब से हम बात किए भी, CO साहब बोले भी कि सुबह हम अभी तो क्या परीक्षा ड्यूटी में थे, वो कॉपी ओपी जमा कर रहे थे, अगर आ सकते अब या अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो सुबह CO साहब आएंगे, इन लोगों को जो भी मतलब कि सरकारी मुआवजा के तहत मिलने वाला हो, CO साहब बोले कि हम कल के कल ही मतलब इन लोगों को उपलब्ध कराएं। सिलेंडर भर रहा था, सिलेंडर में आग लगा ना, वो लोग भाग गया तो बोरा भी दिया, बोरा से नहीं बुता ना, सब भाग गया, ये घर में लगा ना, सभी घर में लग गया है। सिलेंडर जलाता है वो प्रदीप था, यहाँ प्रदीप ताती यहाँ आग लगा हुआ था, सभी का लग गया है, यहाँ पे लगभग 15-20 घर था, हाँ पूरा एक भी नहीं बचा हुआ है, सब कागज पत्तर, LIC कागज था, जमीन तमीन का ऐसा
और बकरा बकरी जितना था गाय माय गाय नहीं था बकरी था। हाँ बकरी भी चल गया है। यहाँ हो गया दो महीना हो गया, दो महीना लग गया। नहीं सर वो घर हम लोग का कट गया ना, तो यहाँ रहने के लिए आए थे। हाँ सरकारी। क्या नाम आपका? मेरा सोनू। पिता का नाम? रमेश्वर तांती। दरिया ही है, सबों के पीछे यहाँ रहते हैं। हाँ।